आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास। Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Hey guys, welcome back to my channel, Mahi Vlogs. So, आज हम जा रहे हैं स्टेडियम, क्योंकि आज मोदी जी वहीं आ रहे हैं. तो मम्मा लोग रेडियो को जा चुके हैं, दीवार में रुके हुए हैं. तो अब हम जाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. जगह जगह पर रास्ते कैसे ब्लॉक करे हुए हैं देखिए आप सभी, ताकि ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह आए जाए ना. देखिए चलते चलते पीटी चल रही है. रास्ते यहाँ पर को भी ब्लॉक ही हैं. और यहाँ पर को सारे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चल नहीं रही हैं. और मोदी जी को देखने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं. और आज आप देखते हैं प्रत्येक शहीद को हेलीकॉप्टर जहाँ जान से भी है मार करके उसके अंतिम दर्शन के लिए उसके गांव तक पहुंचाया जा रहा है. और एंट्री गेट पे पहले चेकिंग चल रही है. बेटी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कटिबद्ध है. 50% हमारी मातृशक्ति. देहरादून की दूरी कम करने के लिए बहुत खूबसूरत काम हुआ है. 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंचने वाले हैं. इसी प्रकार यहाँ पर कन्या गया कॉलेज की एक ब्रांच हमारी यहाँ पर भी बोधी कुमाऊं में धीरे धीरे मेरा मानना है. साथियों आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया. भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया. पूरे देश ने देखा उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले 100%
पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे आपको याद है ना। हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात कर रहे रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की, चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, प्राकृतिक आपदा के घटनाएं हो, सब संकटों को पार करके, सब कठिनाइयों को पार करके हमारे परिश्रमी हेल्थ वर्कर्स गांव गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचे, इसी लक्ष्य के साथ हमने काम किया। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हो, उनका धन्यवाद करने आया हो, उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। ये छोटा काम नहीं है दोस्तों। पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन को लगाते लगाते 40-40 साल लग जाते थे। और अभी हम सभी लोग घर को जा रहे हैं। सो अभी ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है, पता नहीं हम घर कब तक पहुंचेंगे, इतनी ज्यादा भीड़ भी हो रही है। यहाँ चलने को भी जगह नहीं है, आज नाथाला अल्मोड़ा एक जगह पर आ गया है और अब सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो घर को जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बताओ इतनी भीड़ में काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ अल्मोड़ा में, बिल्कुल भी रास्ता नहीं था निकलने को। अभी बड़ी मुश्किल से हम दूसरे रास्ते से घर को जा रहे हैं, जो कि कभी फुल नहीं होता था लेकिन आज भी पूरा भरा पड़ा है। बट ये कि यहाँ चलने को थोड़ा ये है कि हम आराम से चल सकते हैं। और ये सभी लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा। जोर से बोलो यार। अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। और क्या? और कुछ बोलना नहीं है?